3 महीना हो गया, 5 महीना मतलब। ठंडा भी तो इतना गिर रहा है, रहने का बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं आ रहे, इसीलिए तो हम लोग बाहर आए हैं। मजबूरी है, हम लोग का भी मजबूरी है। मूर्ति नहीं बनाएगा तो पेट कैसे भराएगा, स्कूल का खर्चा कैसे उठाएगा, रहने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, दुकान वकान कुछ नहीं लगाने देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। इस बार जो है गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा एक ही दिन है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ देश का तिरंगा लहराएगा वहाँ दूसरी तरफ विद्या के देवी सरस्वती माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। सरस्वती पूजा आने वाली है और इसको लेकर बाजार में जो है काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। काफ़ी जो मूर्तिकार है, जो कलाकार है, वो अपने हाथों से काफ़ी जो माँ की प्रतिमाएँ हैं उनको तैयार कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी रंग बिरंग की अनोखी सी मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पर है, जो खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कैसे बना रहे हैं ये मूर्ति। मूर्ति बनाने का जो कार्यक्रम है वो, मतलब आप लोगों ने जो मूर्ति बनाना है वो कब से शुरू किया है? 3 महीने पहले से। आप 3 महीने पहले से मूर्ति बना रही है? 3-4 महीना हो गया है बनाते बनाते। और कितना, मतलब इसमें मेहनत कितना लग जाता है, कैसे बनाती है आप? मेहनत तो बहुत लगता है क्योंकि आप बना के बहुत मेहनत लगता है। क्या मूर्ति, मतलब हर साल हर वर्ष आप सिर्फ मूर्ति बनाकर ही अपने घर के खर्च चलाती हैं? हाँ, तो हर साल मूर्ति बिक जाती है और आपका घर का जो खर्च है वो आसानी से चल जाता है? आसानी से नहीं चलता है तो क्या करें, फिर चलाना तो पड़ेगा ना। और मतलब पिछले जैसे 2 साल पहले लॉकडाउन लग गया था, सरस्वती पूजा नहीं हो पाया था और आप लोगों ने काफ़ी मूर्ति बनाई थी जो बिका नहीं था, उस समय का सिचुएशन आपके लिए कैसा था? बहुत मुश्किल से गुजरा था। और इस बार क्या उम्मीद है? इस बार तो मतलब सब कुछ खुला है, लॉकडाउन नहीं है, इस बार क्या लग रहा है कि आपको? गाड़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, रहने का सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बनाने। मतलब कि ये जो मूर्ति है आप सड़क पे ही रख रहे हैं और सड़क पे ही आप लोग रह रहे हैं? हाँ। आप कहाँ रहती हैं, सड़क पे किस जगह पे, जैसे आप लोग सड़क पे कैसे रहती हैं? मतलब मूर्ति यहाँ पे बना रहे हैं, अंदर डेरा ले लिए कमरा। अच्छा, कमरा मिले हैं अंदर। हाँ, तो फिर रहने में मतलब यहाँ पे मूर्तियों रखने के लिए जगह मिल जाती है? मूर्ति रखने के लिए तो जगह नहीं मिल रहा है, मेन बात तो फिर हम लोग को बिक्री भी नहीं हो रहा है। मतलब क्या, जो कस्टमर्स, मतलब जो भी मूर्ति खरीदने आते हैं जो लोग, वो लोग आ रहे हैं? नहीं आ रहे, इसीलिए तो हम लोग बाहर आए हैं। अच्छा, बुकिंग नहीं हो रही है आपकी मूर्ति की? अभी एक भी बुकिंग नहीं हुई है? एक तो हुआ होगा, नहीं तो हर साल तो 20-25 को हो जाता है। तो आने वाले दिनों में तो हो जाएगा क्योंकि अभी कुछ टाइम है, जैसे सरस्वती पूजा में अभी 26 को है, आज 18 है, इन दिनों में तो आपको बिक सकता है? बिक सकता है, लेकिन मूर्ति बाहर निकालेंगे तब ना सब। क्या क्या उम्मीदें क्या है कि क्या पूरी आपकी जितनी भी आपने इतनी मेहनत की है, 3 महीनों में आपने मूर्ति बनाई है, वो सारे बिक जाएंगे? अभी वो तो पता नहीं, टाइम पे पता चलेगा। कितने महीनों से बना रही है? हम लोग 2-3 महीना हो गया बनाते। और इतने टाइम में मतलब कैसे आप लोग कैसे इस मूर्ति को कैसे तैयार करती है? 2-3 महीना हो गया, 5-6 महीना मतलब। ठंडा भी तो इतना गिर रहा है, रहने का बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस जो मूर्ति है इनको कैसे बनाना, आप लोग कैसे बनाती हैं? फर्मों में डालते हैं चाचा में। इससे मतलब बहुत मेहनत लगता है। और मेहनत के हिसाब से क्या लगता है कि आपको आपके पैसे मिलते हैं? अभी जान का ऐसे नहीं है, मिल बच भी जाता है, बिक भी जाता है, ऐसे कोई नहीं जान ये करता है। और जो मूर्ति मतलब बच जाता है, अगर सरस्वती पूजा मतलब हो जाती है, जो बच जाते हैं उन मूर्तियों का क्या होता है? रखने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि जगह तो होती नहीं होगी ऐसे। और एक मूर्ति जो है उसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है? एक मूर्ति 3-4 दिन लग जाता है। एक मूर्ति को तैयार करने में 3-4 दिन लग जाते हैं? और सोचिए कि ऐसे में अगर आपका मूर्ति नहीं बिकता है, अगर सपोज दैट अगर नहीं बिका तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत प्रॉब्लम होता है, क्या करेगा। तो पहले वाला मूर्ति देखिए, वो सब रखने वाला जगह नहीं है, इसलिए ऐसा हालत हो गया। अच्छा, रहने की जगह, मतलब यहाँ पे जो मूर्तियाँ रखने हैं वहाँ पे जगह नहीं मिल रही आप लोग को, फिर बस इतनी जगहों में ही आपने बेचा है? इतना में बेचेगा, क्या करेगा, बाल बच्चे को पेट तो भराना ही पड़ता है और क्या। देखिए, रोने वाली इसमें कोई बात नहीं, आप इमोशनल हो रही हैं, पर हाँ मतलब क्या मूर्ति से आपका जो है खर्च वो चल खर्चा है? बहुत खर्चा है इसमें, ये बुरिश लेने जाएगा तो 50 रुपये का गो बुरिश मिलेगा, हर दाम बढ़ते जा रहा है। बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे पढ़ाते हैं मतलब इस सरकारी स्कूल में, लेकिन अभी नहीं, काम का समय हो रहा, अभी नहीं पढ़ते। अच्छा, जब मूर्ति बनाने का समय आता तो आपके बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं? मूर्ति में लग जाता है मतलब 10-15 दिन के लिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब सब मिलकर तो करते हैं पर उनका पढ़ाई छुड़वाना भी मतलब सही नहीं है? ना है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मतलब पैसा सब रहता है, कुछ ये रहता है तो थोड़ी पढ़ाई छुड़ाएगा।
मजबूरी है, हम लोग का भी मजबूरी है। मूर्ति नहीं बनाएगा तो पेट कैसे भराएगा, स्कूल का खर्चा कैसे उठाएगा। तो इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं, पिछले साल के मुकाबले जो है इस बार आपके सारे मूर्तियाँ बिकेंगी? बिक जाएगा तो अच्छा है, भगवान करे। और हमारी भी दुआ है कि आपके जो मूर्ति है वो मेहनत है जो बिके, और आपके जो मेहनत के पैसे है वो आपको मिले। क्या मतलब आपके बच्चे जो है इसमें शामिल होते हैं वो भी मिलकर बनाते हैं? हाँ, सब मिलकर बनाते हैं, परिवार सब, पूरा परिवार मिलकर बनाते हैं। आपके बच्चे? तीन को बाल बच्चे हमको। अच्छा, तीन बाल बच्चे हैं। उन तीनों का मतलब खर्च जो है वो सिर्फ मूर्ति बनाकर चलता है? तब क्या करेगा मूर्ति। आप अकेले? आपके पति? पति मूर्ति बनाता है। अच्छा, वो भी मूर्ति बनाते हैं, तो वो कहीं और बेच रहे हैं? नहीं, वो अंदर में। अच्छा, वो बना रहे हैं? बना रहे, पेन मशीन से पेंट होता। कहाँ कहाँ बन रहा है? उधर बना रहा है। कहाँ बना रहे हैं वो? उधर वहाँ पे रखा हुआ। अच्छा, वहाँ से तैयार होके आप लोग सड़क पे पेंट करें? हाँ, सड़क पे ले आए। अब वहाँ देखिएगा ना, कोई जानकारी नहीं तो मूर्ति कैसे बिकेगा। अभी यहाँ जानकारी हो रहा था, आप लोग जानकारी दिए हो रहा। और ये काफी जो रंग बिरंग की जो कलर्स है वो लोगों ने अपने हाथ से बनाया है, वो कलर जो हाथ से किया है सब हाथ से। देखिए ये जो है ये अपने हाथ से जितनी भी मूर्तियां है उनको अपने हाथों से कलर किया है। उनमें जो रंग भरने का काम है उसमें मूर्तियों में जितने भी रंग बिरंग के जो रंग दिख रहे हैं उनको इन्होंने अपने हाथ से कलर किया। आप देख सकते हैं उन्होंने अपने हाथ से मूर्तियों में रंग भरा है। उन्होंने देख सकते हैं आपकी एक मूर्ति बनाने में इनको 3 से 4 दिन लग जाता है। और वैसे में भी इनके जो बच्चे हैं वो स्कूल की पढ़ाई छोड़कर इनके साथ मूर्तियाँ बना रही हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर इनकी मूर्ति नहीं बिकती है तो इनका जो पूरा साल का जो खर्च है बहुत दूर। आपका जो पूरा साल का खर्च है वो मूर्ति एक मूर्ति में सब मूर्ति में लगाते हैं। आप लोग हमेशा ही मूर्ति बनाती हैं या मतलब जैसे सिर्फ पूजा फेस्टिवल बनाते हैं? फोर सीलिंग वाला काम ये नहीं है, चकड़ी वाला। अच्छा, वो काम आप लोग करते हैं जो वॉल पुट्टी का जो होता है घर वगैरह में, वो सब घर में। लेकिन अभी जगह ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा, कहाँ करेगा जाएगा। रहने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? रहने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, दुकान वकान कुछ नहीं लगाने देता। यहाँ दुकान भी नहीं लगाने दिया जाता है या कुछ मतलब बोला जाता है यहाँ पे आपको दुकान लगाने के लिए? रोड हाला वही सब बनता है ना, नाला वाला पुल उल बन रहा है उसमें। देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रहने के लिए भी, यहाँ पे मूर्तियाँ रखने की भी इनको इजाज़त नहीं है। इस हालत में इनको कैसे होगा कि ये कैसे बेचेंगी अपनी मूर्तियाँ? इनके और भी ये बता रही है कि इनके जो मूर्ति है, इनके जो पति हैं वो अंदर मूर्ति बना रहे हैं, इनको मूर्ति रखने की जगह नहीं है, जिस वजह से आपको इतनी दूर में जो मूर्तियाँ मौजूद है आप वही देख सकते हैं। यही कुछ मूर्तियां हैं जो यहाँ अवेलेबल, बाकी लोग अंदर रखा हुआ है। और इनको जो है यहाँ पे रहने की भी दिक्कत हो रही है, और इनको रहने भी नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पे मूर्ति रखने भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए कितने लोग हैं बहुत कुछ बोल भी रहे हैं, और ये इतने सारे दिक्कतों का सामना करके जो आप इस बार मूर्ति बना रही हैं और इस बार बिकेगा तो अच्छा बात है। इतना लाने में दिक्कत होता है कि हालत ख़राब हो जाता है हम लोग का, पूरा मूर्ति उठा के लाना पड़ता है। ये पूरा मूर्ति को आप एक एक करके उठा के लाती हैं? मतलब उठ जाता है आसानी से? क्या मतलब आप उठाती हैं कि आपके बच्चे उठाए? पति भी उठाता है, सब ठेला में लोड करके लाता है। अच्छा, मतलब कि अंदर से सिर्फ बाहर लाने के लिए ठेला लेना पड़ता है आपको? उसके भी ठेला के भी पैसे देने पड़ते होंगे? हाँ, ठेला का भी पैसा देना पड़ता है। देख सकते हैं कि बस थोड़े से दूर से, 4 कदम दूर से अगर ये मूर्ति लेकर आती है तो इनको पैसे देने पड़ते हैं सड़क तक रखने के लिए। और इस सड़क पे जब वो पैसे देकर लेके आती है मूर्तियाँ, और उनको इस सड़क पे मूर्ति रखने भी नहीं दी जाती है। तो देखा आपने कि क्या कुछ कहना है मूर्ति कलाकारों का। उनका ये कहना है कि वह काफ़ी मुशक्क़त के साथ यहाँ पे रह रही हैं, उनको सड़क पे मूर्तियाँ रखने भी नहीं दी जा रही है, और उनका बस ये मूर्ति बनाकर ही जो उनका घर खर्च चल रहा है उस पर भी जो हल्ला बोल है उन्हें काफ़ी तंग कर रहे हैं, काफ़ी उनको इस सब में सामना करना पड़ रहा है। ये जो सरस्वती पूजा का जो पर्व है जिसको लेकर उन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो बिके और उनका जो बच्चे हैं वो पढ़ पाए। ऐसे में जो उन्होंने इन सारे मुसीबतों का सामना किया है उसके लिए उन सबको यह है कि उनकी मूर्ति बिक जाए और उनका जो घर है वो अच्छे से चल जाए। न्यूज़ पीआर की तरफ से आपको गणतंत्र दिवस का और सरस्वती पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।